क्या साइनस का ऑपरेशन सक्सेसफुल है? क्या साइनस सर्जरी बार बार वापस करानी पड़ती है? यस दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आज इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक ऐसी उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, क्या साइनस सर्जरी सक्सेसफुल है? दोस्तों, ये जो साइनस से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, जब ओपीडी में आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है। सो सबसे पहले हमें ये जानना और समझना चाहिए कि साइनस सर्जरी क्या है एंड इसके क्या रिजल्ट है। जैसे आपको पता है दोस्तों, हमारे नोज के अंदर, जो नोज के पास में जो साइनस है, उस साइनस के अंदर जब पॉलिप्स बन जाते हैं, मैक्सिलरी साइनस है, एथमोइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है एंड दिमाग के नीचे जो स्पिनॉइड साइनस है, ये कुछ साइनस के जो ग्रुप्स हैं, उनमें जब मास बन जाता है, रसोली बन जाते हैं, पॉलिप्स बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें साइनस सर्जरी की जरूरत होती है। जैसा आपको पता है, साइनस सर्जरी 2 से 2.5 घंटे का काम होता है, एंडोस्कोपिक होता है, बाहर से कोई चीर फाड़ टाका पट्टी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अब साइनस सर्जरी सक्सेसफुल है कि नहीं है दोस्तों, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर 1, सपोज आपकी जो सर्जरी है वो बेस्ट टेक्निक से हुई है, ठीक है दोस्तों। अब साइनस सर्जरी के बाद में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको डॉक्टर ने बताई है। सपोज आप उस स्टेज पे चले गए जब आपकी सर्जरी नहीं हुई थी, जब आपके नोज में पॉलिप नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको उस टाइम पे आपके नोज में पॉलिप्स क्यों बने? उस टाइम पे तो किसी ने सर्जरी भी नहीं की थी आपकी। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे को पॉलिप इसलिए बने कि डॉक्टर साहब मेरे को एलर्जी रहती थी एंड सालों एलर्जी के कारण मेरे नाक में मांस बन गया। सो दोस्तों, सेम वही स्टेज आज है कि जो गलती हमने पहले की थी, यानी हमें एलर्जी थी, हमने एलर्जी का इलाज नहीं लिया और उसके कारण नाक में पॉलिप बन गई। अब दोस्तों, हमारा सर्जरी हो गया लेकिन हमारे ब्लड में एलर्जी आज भी है, तो हमें वो जो लापरवाही हमने पहले की थी अब नहीं करना। वो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, जो आपको एलर्जी है, अब उस एलर्जी के लिए आपको डॉक्टर ने जो दवा दी है उसको कंटिन्यू हमें लेना है। आपको एक एलर्जी टेस्ट करा के ये पता लगाने है कि मेरे को पहले कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे एलर्जी होता है, जिससे मैं उनकी बचाव कर सकूं। आई सेग्रीगेट दैट थिंग्स विच एवर अफेक्ट माई नोज, जिस चीज से मैं बचाव कर सकूं एंड जिस चीज से सबसे ज्यादा एलर्जी आ रही है उसकी वैक्सीन बने और मेरे ब्लड में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई। सो दोस्तों, जैसा बेसिकली डॉक्टर ने आपको बताया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने 5 साल तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, आप कंटिन्यू स्मोकर हैं, आप ऐसे एटमोस्फेयर में काम करते हैं जहां बहुत सारा पॉल्यूशन है एंड आपको सीवियर एलर्जी है, तो हो सकता है दोस्तों आपको वापस पॉलिप्स बन सकते हैं। दूसरी कैटेगरी दोस्तों क्या है कि आपने तो पूरी सावधानी भी रखी है, आपने एलर्जी का भी इलाज लिया है, आपने जो है वो पूरा मेडिकेशन भी लिया है, सब ध्यान भी रखा है, फिर भी पॉलिप बन गए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो टेक्निक थी सर्जरी की वो एडिक्वेट नहीं, वो एडवांस नहीं। सो उसमें क्या है, हो सकता है कि नाक के अंदर जो है पॉलिप है वो आपका पूरा रिमूव नहीं हुआ हो। सो दोस्तों, ये जो दूसरी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में दोस्तों बेसिकली आपने सारा अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, पर आपकी कैटेगरी जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका सर्जन ने ठीक से नहीं किया। सो उसमें अगर आप समझते हो तो इसमें रिकरेंस नहीं होता, रेजिडुअल होता है, यानी वो डिजीज पूरी रिमूव नहीं हुई। सो दोस्तों, साइनस सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं कि एक पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो आपको जो डॉक्टर ने बताया वो फॉलो करना चाहिए, आपको डॉक्टर चूज करते टाइम पे ये देखना चाहिए कि जहां पे मैं साइंस सर्जरी करा रहा हूँ वो कैसा सेंटर है, वहां सारी साधन सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें नेविगेशन सिस्टम होता है, माइक्रो डेब्राइडर होता है, एडवांसमेंट माइक्रो डेब्राइडर ब्लेड्स होती है, बढ़िया एंडोविजन सिस्टम होता है, डॉक्टर को बढ़िया तजुर्बा होना चाहिए, बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए एंड इसके बाद जो है आप खुद को जो है प्रॉपर एलर्जी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर ने जो बताई वो परहेज आपको यूज में लेना चाहिए,
दोस्तों अगर आपके ये दोनों पहलू ठीक है तो साइनस सर्जरी की लाइफ में दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डर और भ्रम के कारण इलाज नहीं कराते और उनका दुष्परिणाम उनको झेलना पड़ता है। आपके जो है इसके बहुत सारे दुष्परिणाम है, आने वाले अगले वीडियोज में हम डिस्कशन करेंगे कि साइनस सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम साइनस प्रॉब्लम का इलाज नहीं कराते हैं तो क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग्स को शेयर कर सकते हैं।